हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद विनू शेखावत। आज हम करी लीफ यानी करी पत्ता के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि करी लीफ यानी करी पत्ता घरों में रसोई में खाने के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ना सिर्फ घरों में खाने के रूप में किया जा सकता है, ना इसके अलावा इसका उपयोग बहुत सारे रोगों को दूर करने में भी किया जा सकता है। करी लीफ एक आयुर्वेदिक औषधि है क्योंकि इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन B1, B2 और विटामिन सी पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल और एंटी डायबिटिक होता है। तो चलिए इसी के बारे में बहुत 3-4 नुस्खे जो घरों में उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक टी बनाएंगे, करी टी, जो वेट लॉस और बहुत सारे ऐसे रोगों को दूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें कुछ करी लीव्स और एक ग्लास पानी चाहिए। करी लीव एक ग्लास पानी को हम बॉईल करेंगे अच्छे से, जब तक कि अच्छे से बॉईल ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर करी लीव डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करी लीफ का उपयोग घरों में किया जाता है, इसका उपयोग एक आयुर्वेदिक औषधि में भी किया जाता है। तो बॉयल पानी या टी का उपयोग वेट लॉस में किया जा सकता है, साथ ही PCOD और PCOS जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। इस पानी का उपयोग बालों की समस्याओं से छुटकारा देता है। इसके द्वारा झड़ना, सफ़ेद होना, कमज़ोर और डैंड्रफ जैसी समस्याओं को दूर करता है। इस पानी का सेवन करने से दस्त, डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। अब जैस पानी को अच्छे से गर्म होने देना है, जब तक कि हाफ ग्लास ना रह जाए। जब तक बॉयल कीजिए जब तक कि हाफ ना हो जाए, क्योंकि इसमें पत्तियों में पाए जाने वाले पोषक तत्व इस पानी में जब हम बॉयल करेंगे तो इस पानी के अंदर आ जाएंगे, और जब हम इस पानी का सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो पानी गर्म हो गया है, हम अब इसे छान लेते हैं। लीजिए, तैयार है पानी, बॉयल पानी, जिसका उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं और हमारे रोगों से निपटा सकते हैं। दूसरी, इसके अंदर करी लीफ का पेस्ट 1 चम्मच, साथ में मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच, एलोवेरा जेल भी डालेंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि जानते हैं, हमें आजकल स्किन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती है, तो यह फेस मास्क हमें स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा देता है, जैसे कील, मुहासे, छाए, फाइन लाइंस को दूर करता है। इसको अच्छे से मिक्स करें जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और इस पेस्ट को लगाएं अपने चेहरे पर और 10 मिनट तक रखें। अब हम तीसरा, जब हमारा जी मचलाता है उसके लिए करी लीफ बहुत अच्छी होती है, तो हमें करी लीफ का वही पानी यूज़ करना है, साथ में एक लेमन का 1 चम्मच रस लेना है और इसके अंदर डाल देना है। साथ में शुगर, थोड़ी सी शुगर भी लेनी है, और तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। इसको तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि शुगर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप आराम से ले सकते हो, और इससे हमारी जी मचलाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एनीमिया, खून की प्रॉब्लम। एनीमिया या खून की प्रॉब्लम होने पर 3-4 पत्ती प्लस खजूर की 1 खजूर
रोज़ लेने से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसे बहुत से नुस्खे हैं जिसके द्वारा करी लीफ का उपयोग किया जाता है। हमें करी लीफ का उपयोग रेगुलर करना चाहिए ताकि हमें अच्छा बेनिफिट मिले। थैंक यू।